हाँ जी, तो वेलकम बैक टीच वीजा पंजाबी चैनल ते। उम्मीद करदा कि तुसी ठीक होवोगे। इस वीडियो दे विच असी गल करांगे तीन कंट्रियां दे बारे च, इक्वाडोर, एक सिलवाडोर ते बोलीविया। इंडियन सिटीजन जिहड़े ने ओह किंज इन्हां कंट्रियां दा वीजा फ्री लै सकदे ने? इन्हां तिन्हां कंट्रियां दा इंडियन पासपोर्ट दे उत्ते वीजा फ्री है, बट जाना थोड़ा जिहा डिफिकल्ट है, जाना थोड़ा जिहा मुश्किल है। इस वीडियो दे विच गल करांगा कि किवें तुसी वीजा फ्री उन्हां कंट्रियां दे विच पहुंच सकते हो। पाकिस्तानी पासपोर्ट उत्ते सिर्फ बोलीविया दा जिहड़ा वीजा वे ओह कैटागरी डी दे विच फ्री है। ओह वी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ने, मैं इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगा। वीडियो नूं एंड तक जरूर तकियो। तो जे हजे तक चैनल टीच वीजा पंजाबी नूं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लवो, ता कि हर एक वीडियो जिहड़ी है ओह तुहाडे तक पहुँचती रहे। पहले नंबर ते असीं गल करने आ इक्वाडोर दे बारे च। जिन्ने भी एजेंट ने जिहड़े डौंकी लवांदे ने अमरीका दी, कैनेडा दी, ओह मोस्टली इक्वाडोर, ब्राज़ील, एक्सिलवाडोर, कोलंबिया, पनामा इन्हां कंट्रियां दा वीज़ा लै के या फिर वीज़ा फ्री एंट्री करवा के अगे तुहानूं डौंकी लवांदे ने। इक्वाडोर दा वीज़ा फ्री है इंडियन पासपोर्ट दे उत्ते, बट फ्लाइट रूट जिहड़ा वे ओह नहीं लभदा, क्योंकि इंडिया तों, दुबई तों, कतर तों डायरैक्ट फ्लाइट तुहानूं नहीं लभदी। ते जे तुहानूं फ्लाइट लभदी है ओह यूरोप तों होके, कैनेडा तों होके आउंदी है, ओहदे वास्ते तुहानूं ट्रांजिट वीज़ा चाहीदा हुंदा, एयरपोर्ट दा वीज़ा चाहीदा हुंदा, जिहड़ा कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नाल लभदा वे। इक्वाडोर दा आ जिहड़ा वीज़ा फ्री लै के तुसी जिहड़ा फ्लाइट रूट लैना वे ओह तुसी इंज लैना वे, इंडिया तों तुहाडी फ्लाइट होएगी दुबई, दुबई तों तुहाडी फ्लाइट होएगी ब्राज़ील, ते ब्राज़ील तों अगों तुसी बाय रोड जिहड़ा ना इक्वाडोर पहुँच सकते हो। दूसरे नंबर ते असीं गल करने आ एक्सिलवाडोर दी। एक्सिलवाडोर पहुँचना सब नालों बहुता मुश्किल है, क्योंकि एक्सिलवाडोर तुसी वाया ब्राज़ील भी नहीं जा सकते, वाया कैरबियन कंट्री भी नहीं जा सकते। उस तो अलावा तुसी जे अमेरिका ते कैनेडा तो फ्लाइट आउंदी है तो तुहानू अगेन ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। बट एक्सिलवाडोर जाण दा भी एक राह है वे, जिहड़ा कि थोड़ा जिहा लम्मा वे, बट तुसी पहुँच जाते हो एक्सिलवाडोर। इंडिया तो तुहाडी फ्लाइट होएगी टर्की दी, टर्की तुहानू ट्रांजिट वीज़ा लैण दी लोड़ नहीं है। टर्की तो तुहाडी फ्लाइट होएगी ब्राज़ील दी या फिर पनामा दी, इन्हां दोवां कंट्रियां दी फ्लाइट हो सकती है, तो दोवां कंट्रियां दा तुहानू ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। पनामा तो तुहानू जिहड़ा ना वह फोकर त्यारा, छोटा त्यारा जिहड़ा हुंदा वह तुहानू तकरीबन $1500, $1100 या फिर $900-$800 दे विच विच तुहानू जिहड़ी एक फ्लाइट है वह लभ जाएगी। साढ़े को तिना या चौ घंटिया के जरा ना तुसी पनामा तो एक्सिलवाडोर पहुँच जाते हो विदआउट ट्रांजिट वीज़ा लिया। उस तो बाद असी गल करने लास्ट के बोलीविया की। बोलीविया का जरा वीज़ा वो इंडियन पासपोर्ट के उत्ते फ्री है, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के उत्ते भी फ्री है। सब नालों पहला असं इंडियन पासपोर्ट के उत्ते गल करने। इंडियन जिहड़े ने बोलीविया वीज़ा फ्री जा सकते हैं, उन्होंने वीज़े की लोड़ नहीं है। बोलीविया पहुँचने वास्ते तुहानू सब नालों पहला तो दुबई जाना पेगा, दुबई तो तुहाडी फ्लाइट होएगी ब्राज़ील सो पोलो दी, सो पोलो तो अगों तुसी बाय रोड जिहड़ा ना वह जा सकते हो बोलीविया, या फिर बाय ईयर भी तुसी बोलीविया जा सकते हो, ब्राज़ील तो फ्लाइटां तुहानू लभ जाणगियां। लास्ट ते असीं गल करने आ पाकिस्तानी जिहड़े सिटीजन ने, पाकिस्तानी वीर साडे ने, उहनां दे पासपोर्ट दे उत्ते बोलीविया दा वीज़ा फ्री है, बट ओ कैटागरी डी दे विच। कैटागरी डी उहनूं कहा जांदा वे वीज़ा फ्री है वे, बट तुहानू जिन्ने भी डाकूमेंट्स वगैरह ने, अपने कागज़ पत्र जो भी रिक्वायर्ड ने, वो तुहानू अंबैसी दे विच जमा करवाने पैणगे। अंबैसी उहनां डाकूमेंट्स नूं वेरीफाई करेगी ते फिर तुहानू अलो करेगी कि तुसी जा सकदे हो बोलीविया। एक मैं कहना वा कि काफ़ी चंगा कदम है, क्योंकि हो सकता वे तुसी इन्ने पैसे खर्च के, क्योंकि जिहड़ी फ्लाइट है तकरीबन 1 या 2 लाख रुपए की फ्लाइट है, इन्ने पैसे तुसी खर्च के बोलीविया पहुँचते हो, बोलीविया पहुँचने तो बाद तुहानू एंट्री नहीं लभदी, तो फिर बहुता नुकसान हुंदा तुहाडा। इसलिए जिहड़ा बोलीविया की गौरमेंट है उन्हें यह अनाउंसमेंट की है कि जिन्ने भी तुहाडे कागज़ पत्र ने तुसी अंबैसी दे विच जमा करवाओ। ऐसिया कंट्रियां जिन्हां दे विच अंबैसी नहीं है, पाकिस्तान दे विच आई थिंक बोलीविया की अंबैसी नहीं है, तुसी ऑनलाइन उन्हां नाल कॉन्टैक्ट करो, उन्हां दी मेल, उन्हां दा सब कुछ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਆਈਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਕਵਾਡੋਰ ਸਿਲਵਾਡੋਰ ਬਲਵੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਟੀਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।